हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स की बात की गई है, महेंद्र और ईश्वर। यहाँ पे जो महेंद्र है वो किसी एक कंपनी में एक जूनियर सुपरवाइजर का काम करता है। उसकी अलग अलग जगह ट्रांसफर होती रहती है, वहां पे ये बताया गया है। साथ में ईश्वरन महेंद्र का ही कुक है, जो कि खाना भी बनाता है, कपड़े भी धोता है और साथ में महेंद्र को रात में बड़ी सारी कहानियां भी सुनाता है। तो बस दोस्तों, हमने ये चीज तो स्टडी कर ली थी, आज के लेक्चर में हम इसी कहानी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने ये भी देखा था कि जो ईश्वरन है वो महेंद्र को बड़ी सारी अलग अलग टाइप की कहानियां सुनाता है एक ड्रामेटिक तरीके से। दोस्तों, आज के लेक्चर में वैसी एक कहानी की बात की जाएगी। ये है स्टोरी ऑफ अ टस्कर, यानी कि एक एलिफेंट की कहानी है। तो देखिए, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। तो देखिए, यहाँ पे ईश्वरन ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया है। वो कहता है कि जिस जगह से मैं आता हूँ, ये महेंद्र से कह रहा है कि जिस जगह से मैं आता हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वो टिम्बर यानी कि वुड के लिए वो बहुत फेमस है। There is a richly wooded forest all around. जहाँ से वो आता है, उस जगह पर हर जगह वहाँ पे एक richly wooded forest है, यानी कि ऐसा forest जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं, उसकी बहुत ज़्यादा value है। The logs are hauled onto the lorries by elephants. अब बताया गया है कि उस forest में जब पेड़ों को काटा जाता है, तब उसके जो logs होते हैं, जो wood होती है, उसको haul मतलब कि उसको pull किया जाता है lorries तक। lorries मतलब कि दोस्तों जो ट्रक होते हैं, जो कि उस forest से wood को बाहर लेके जाएंगे। तो उन ट्रक्स पे जब लॉग्स को रखा जाता है, इस काम के लिए एलिफेंट्स का यूज किया जाता है। देखिए, दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। अब यहाँ पे एलिफेंट को डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो एलिफेंट्स हैं, ये बहुत ही बड़े होते हैं और इनकी बहुत ही अच्छे से इनका ख्याल रखा जाता है, इनको खाना बहुत ही अच्छे तरीके से खिलाया जाता है। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. अब यहाँ पे बताया गया है कि जब ये जो एलिफेंट्स हैं, जो कि बहुत बड़े हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, अगर ये जो एलिफेंट्स हैं, अगर ये वाइल्ड टर्न हो जाएं, मतलब कि ये थोड़े से मैड हो जाएं, पागल हो जाएं, कुछ भी अजीब सा करने लगे, तो ऐसे केस में जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर है, दोस्तों एलिफेंट को जो ड्राइव करता है, जो उसको आगे लेके जाता है, उस पर्सन को यहाँ पे महाउट कहा गया है। तो जो ऐसा पर्सन होता है वो भी ऐसे एलिफेंट को हैंडल नहीं कर सकता। अगर ये एलिफेंट वाइल्ड टर्न हो जाता है तो कोई भी इसको हैंडल नहीं कर सकता। After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. अब देखिए, यहाँ पे ईश्वरन ने स्टोरी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, हमें उस एरिया के बारे में बता दिया है। प्रोलॉग का मतलब है इंट्रोडक्शन, वो दे चुका है। अब ईश्वरन बहुत ही एक इलैबोरेटेड इंसिडेंट बताना शुरू कर देगा एलिफेंट के बारे में। तो देखिए, उसने कैसे शुरुआत करी। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रूम अबाउट। अब यहाँ पे वो एक दिन की बात कर रहा है कि जिस एरिया से वो आया है, उस दिन वहाँ पे बड़े सारे फॉरेस्ट हैं, बड़े सारे पेड़ हैं, वहाँ से एक एलिफेंट एक दिन भाग जाता है। यहाँ पे टस्कर एलिफेंट को कहा गया है। सो वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट, यानी कि वो आसपास ऐसे घूमने लगता है, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस। वहां पे जो भी बुशेस थे, जितने भी वहां पे घास वाला जो भी एरिया है, वो वहां पे स्टैम्पिंग कर रहा है, यानी कि वो जोर जोर से चल रहा है, अपने पैरों को जमीन पे जोर से मार रहा है। Tearing up the wild creepers. Wild creeper एक टाइप का प्लांट होता है, छोटे से ट्रीज होते हैं, तो ऐसे ट्रीज को वो वहां पे खराब कर रहा है। And breaking branches at will. और अपनी मर्जी से जो भी ब्रांचेस हैं, पेड़ों की जो टहनियां हैं, उसको वहां पे खराब कर रहा है, उन सबको तोड़ने लग जाता है। You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. अब वो महेंद्र कहता है कि सर, आपको तो पता ही है कि एलिफेंट क्या क्या कर सकता है, कितना पागल हो जाता है अगर वो वाइल्ड टर्न हो जाए। Ishwaran would get up so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about. अब देखिए, यहाँ पे वो क्या करता है, ईश्वरन स्टोरी को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए वो जहां पे भी बैठा हुआ था वहां से एकदम खड़ा होके अब वो एक्टिंग करने लग गया है उस स्टोरी को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। अब वहां पे बताने के लिए कि एलिफेंट किस तरीके से जमीन को मार रहा था, कैसे चल रहा था, वो भी उसी तरीके से चल के दिखाता है, ये दिखाने के लिए कि वो एलिफेंट कैसा हो सकता है, वो उस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। द एलिफेंट्स रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। अब बताया गया है कि वो जो एलिफेंट है, जो पागल हो चुका है, सारी चीजों को तोड़ रहा है, अब वो उस टाउन के, उस एरिया के बिल्कुल बाहर बॉर्डर के पास पहुंच जाता है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स। बिल्कुल जो मैचस्टिक्स होती है, हमारी जो माचिस होती है, माचिस की तिल्ली की तरह वो सारी फेंसेस को, सारी बाउंड्री को तोड़ देता है।
He would continue. Ishwaran ye sari cheeze describe kar raha hai. It came to the main road and smashed all the stalls selling fruit. फिर वो जो एलिफेंट है जो मैड हो चुका है वो मेन रोड पे आ जाता है. वहां पे जितने भी ठेले होते हैं जितने भी स्टॉल्स होते हैं उन सबको वहां पे वो खराब कर देता है, उन सबको तोड़ देता है. फिर देखिए मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, जितने वहां पे मड पॉट्स हैं यानी कि वहां पे जो भी ऐसे खड्डे हैं उनको भी खराब कर देता है. वहां पे जो भी क्लोथ्स हैं सारी चीजें वो वहां पे खराब करने लग गया है और लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं. पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. लोग अब इधर उधर भाग रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि अब क्या करें, ये जो एलिफेंट है ये तो कुछ भी कर सकता है. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग. अब जो एलिफेंट है जो कि पागल हो चुका है अब वो किसी स्कूल के ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां पे बच्चे खेल रहे थे. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, वो एक ब्रिक की वॉल को भी वहां पे तोड़ देता है. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं वो एकदम ग्राउंड से क्लासरूम की तरफ भाग जाते हैं, अपने दरवाजों को कस के बंद कर लेते हैं कि जो एलिफेंट है वो कुछ भी कर सकता है. The beast grunted and wandered about. अब यहाँ पे जो एलिफेंट है जो कि पागल हो चुका है वो थोड़ी सी आवाज निकालता है, ग्रंट करता है और फिर इधर उधर घूमने लगता है. पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, वहां पे स्कूल के ग्राउंड में जो फुटबॉल खेलने के लिए गोल का पोस्ट बना हुआ है वो उसको भी वहां से उखाड़ देता है. टियरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वहां पे वॉलीबॉल खेलने के लिए जो नेट बना हुआ है वो उसको भी फाड़ देता है. किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, वहां पे पानी रखने के लिए जो ड्रम था उसको किक कर देता है या फिर पैर से उसको दबा देता है, उसको खराब कर देता है. एंड अपरूटिंग द श्रब्स, श्रब मतलब कि जो छोटे पेड़ होते हैं वो उसको भी वहां से उखाड़ देता है, उनको खराब कर देता है. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. इतने में उस स्कूल के जितने भी टीचर्स होते हैं वो बिल्डिंग के टेरेस पे छत पे चले जाते हैं. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. वो वहां पे खड़े होके, वो छत के ऊपर खड़े होके जो भी एलिफेंट वहां पे डैमेजेस की एक्टिविटीज कर रहा है उसको देखते रहते हैं. दोस्तों यहाँ पे depredations का मतलब है कोई भी ऐसा एक्ट जिसको डैमेज के लिए किया जाता है. बेसिकली वहां पे एलिफेंट जो कुछ भी कर रहा है उसको वो टीचर्स देख रहे हैं. देयर वॉज नॉट a soul below on the ground. कोई भी पर्सन नहीं था जो कि उस ग्राउंड पे खड़ा हो, सिर्फ वो एलिफेंट है जो कि पागल हो चुका है. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. वहां पे उस पूरे शहर की जो भी सड़कें हैं सारे बिल्कुल खाली हो चुकी हैं. ऐसा लग रहा है कि पूरे शहर के जो लोग हैं वो वहां से जा चुके हैं. तो मतलब कि लोग इतना ज्यादा उस एलिफेंट की वजह से डर चुके हैं. I was studying in the junior class at that time. अब यहां पे ईश्वरन अपनी बात कर रहा है कि उस टाइम पर मैं जूनियर क्लास में पढ़ा करता था. And was watching the whole drama from the rooftop. यानी कि वो स्कूल की जो छत है वहां से ये सारा ड्रामा मैं होता हुआ देख रहा था. I don't know what came over me suddenly. अब यहाँ पे ईश्वरन कहता है कि मुझे नहीं पता कि एकदम मुझे क्या हुआ. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. मतलब कि यहाँ पे जो ईश्वरन है वो क्या करता है, एकदम टीचर के हाथ से एक वहां पे स्टिक ले लेता है. एक ऐसी स्टिक जो कि बैम्बू टाइप की थी वो वैसी स्टिक को एकदम ले लेता है और फिर स्टेयर से नीचे उतरता हुआ ग्राउंड के अंदर ओपनली चला जाता है. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेनेसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक. एकदम वो जो एलिफेंट होता है वो थोड़ी सी आवाज करता है, किसी पेड़ की ब्रांच है जिसको उसने अपनी ट्रंक के अंदर रोल किया हुआ है और उसको झुला रहा है. बेसिकली दोस्तों वो बड़ा सारा नुकसान पहुंचा रहा है वहां पे. इट स्टैम्प्स इट फीट, वो एकदम अब जो एलिफेंट है एकदम अपना पैर जोर की जमीन पर मारता है. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, एकदम वहां से बड़ी सारी वहां पे डस्ट और जो मड थी वो बाहर आ जाती है. But I moved slowly towards it. अब यहाँ पे जो ईश्वरन है वो कहता है कि मैं समझदार था, मैं वहाँ पे हिम्मत से उस एलिफेंट के पास उसके पास पास जाता रहा. Stick in hand, मेरे हाथ में वो stick भी थी. People were watching the scene hypnotized from the nearby housetops. कि आसपास जितने भी घर थे उनकी छत से लोग ये सारा इंसिडेंट बहुत ही ध्यान से देख रहे थे. हिप्नोटाइज यहाँ पे मतलब है कि लोग बहुत ही ध्यान से ये चीज देख रहे थे पर वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, जो एलिफेंट है उसने ईश्वरन जो कि छोटा बच्चा है अभी जूनियर स्कूल में पढ़ता है उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी. यानी कि एलिफेंट बहुत ज्यादा गुस्से में है. Ready to rush towards me. जो एलिफेंट है वो तैयार हो चुका है कि ये ईश्वरन के पास आएगा, इसको भी ये कुछ वहां पे चोट पहुंचाएगा. It lifted its trunk and trumpeted loudly. एकदम वो जो एलिफेंट था उसने अपनी ट्रंक को उठाया और जोर की वहां पे आवाज करी. Trumpeted मतलब उसने अपनी साउंड निकाली. At that moment I moved forward. उस समय पर ईश्वरन ने क्या किया, वो थोड़ा आगे बढ़ा. And must
mustering all my force, उसने अपना सारा फोर्स वहां पे गैदर किया, इकट्ठा किया, wagged its third toenail on the quick. ईश्वरन क्या करता है, उस एलिफेंट के पैर में जो तीसरा वहां पे उसका टो है, उसके नेल के ऊपर एकदम से तेजी से अपने पूरे फोर्स के साथ वो स्टिक मारता है. दोस्तों उससे क्या होगा, ये तो सिर्फ एक छोटा बच्चा है जिसने स्टिक मारी है, पर देखिए क्या होता है. द बीस्ट लुक्ड स्टंड, वहां पे जो एलिफेंट है वो एकदम हैरान हो जाता है फॉर अ मोमेंट, वो परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि हुआ क्या है. एंड देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टो, उसकी पूरी बॉडी वहां पे कांपने लगती है. शिवर्ड का मतलब वो कांप रहा है. एंड कोलैप्स, वो वहां पे बेहोश हो जाता है. दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है, ईश्वरन ने खुद को एक छोटा बच्चा बताया है जो कि सिर्फ एक स्टिक से उसने एलिफेंट के टोनेल पर मारा है. दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मंबलिंग. दोस्तों देखिए क्या हुआ, ये जो स्टोरी है ये ईश्वरन इस टाइम पे महेंद्र को सुना रहा है. वो एकदम क्या करता है, वहां से खड़ा हो जाता है और कहता है कि आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कि मैं अभी आता हूं, अभी खाना गर्म करना है. तो देखिए वो यहाँ पे महेंद्र को बीच में छोड़ देता है, स्टोरी को कंप्लीट नहीं करता है. महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging, यानी कि महेंद्र जो पूरी अटेंशन के साथ, rapt attention मतलब complete attention के साथ वो स्टोरी को सुन रहा था, वो बीच में अब रह चुका है. उसको स्टोरी का एंड अभी तक ईश्वरन ने नहीं बताया है. When he returned, जब ईश्वरन वापस आता है, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, यानी कि ईश्वरन एकदम वापस कहानी नहीं सुनाता. महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र को ईश्वरन को रिमाइंड कराना होगा कि अभी कंक्लूजन तो रहता है, स्टोरी को कंप्लीट करना है. फिर देखिए, well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. वो कहता है कि मेरे मारने के बाद जब एलिफेंट बेहोश हो जाता है, तब एक वेटनरी डॉक्टर यानी कि एनिमल्स का जो डॉक्टर होता है उसको बुलाया जाता है और वो एलिफेंट को रिवाइव करता है, यानी कि वापस होश में लाता है. अब दोस्तों देखिए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. अब आगे देखिए, ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, जो ईश्वरन है उसको कोई बड़ी बात नहीं लग रही, वो आराम से कैजुअली अपने थोड़े शोल्डर्स को ऊपर उठाता है. श्रग का मतलब होता है थोड़े शोल्डर को ऊपर उठाना, और कहते हैं ये तो नॉर्मल बात थी. टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महाउट टू द जंगल, यानी कि जो उस एलिफेंट का ड्राइवर था वो उसको वापस जंगल में ले जाता है दो दिन बाद. तो देखिए दोस्तों, अब आगे यहाँ पे महेंद्र ईश्वरन से पूछता है, well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? वो पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया, कि तुम तो छोटे थे, तुमने उस एलिफेंट को बेहोश कैसे कर दिया? ईश्वरन कहता है, it has something to do with a Japanese art. I think, sir, karate or jujitsu it is called. वो कहता है कि सर ये ना मैंने कराटे में सीखा था, यहाँ पे कोई ये जापानीज आर्ट होती है, कराटे या फिर उसको जुजित्सु कहते हैं. I had read about it somewhere. मैंने कहीं तो इसके बारे में पढ़ा है. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. कि एक बारी के लिए ये temporarily पूरी बॉडी के सिस्टम को यहाँ पे पैरालाइज कर देता है, तो इसीलिए वो जो एलिफेंट है वो बेहोश हो गया. तो देखिए यहाँ पे जो ईश्वरन है उसने खुद को कहा कि मुझे एक जापानीज आर्ट आती है, कुछ मार्शल आर्ट टाइप वो जानता है. Not a day passed without Iswaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था कि जो ईश्वरन है वो महेंद्र को कोई ऐसी सी कहानी ना सुनाए, कोई ऐसी कहानी जो कि पूरे एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई है. Whether the story was credible or not, महेंद्र enjoyed listening to it. कि जो स्टोरी है वो सच्ची हो या ना हो, महेंद्र को सुनने में मजा बड़ा आता था. Because of the inimitable way in which it was told. जिस तरीके से ईश्वरन महेंद्र को कहानी सुनाता था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, इसलिए महेंद्र को मजा आता था. यहाँ पे इनिमिटेबल का मतलब है दोस्तों मैचलेस, कि ऐसा तरीका जो कि कोई भी यूज नहीं करता, बहुत ही बढ़िया तरीके से ईश्वरन कहानी सुनाता था, तभी उसको स्टोरी टेलर कहा गया है. ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर. अब देखिए बताया गया है कि जो महेंद्र है जो कि एक सुपरवाइजर है, उसके लिविंग क्वार्टर में टीवी नहीं होता, बट यहाँ पे जो ईश्वरन है वो टीवी की कमी को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहानियां सुनाता है. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है. हमने देखा कि किस तरीके से ईश्वरन अलग अलग कहानियां फॉर्म करता है. हमने एक पूरी कहानी जो कि थी स्टोरी ऑफ अ टस्कर, टस्कर यहाँ पे एलिफेंट को कहा गया है, हमने उस स्टोरी को पूरा समझ लिया है. अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक सुपर नेचुरल ट्विस्ट के बारे में. मतलब कि ऐसा क्या होता है कि स्टोरी के अंदर एक ट्विस्ट आता है, क्या ये जो स्टोरीज है जो कि ईश्वरन महेंद्र को सुना रहा है, क्या ये सच्ची है या वो अपने मन से बना रहा है, ये हमें पता लग जाएगा. तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.
स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, पैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।